नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। आज जिसको बहुत जल्दी से अपना मोटापा कम करना है वो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ आज हम करेंगे जो हम अपने घर पे ऑलमोस्ट करते भी हैं जब हम कोई घर का काम करते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो। तो इसको अगर हम साधारण भाषा में नाम देंगे जो आज करने वाले हैं, उसको बोला जाता है दंड बैठक। हमारे भारत में पुराने समय से दंड बैठक जो है लोग करते आ रहे हैं और इसको एक एज अ एक्सरसाइज भी लिया जाता है और घरों के काम में और सुबह के टाइम में। आजकल तो खैर इंग्लिश सीट्स आ गई हैं टॉयलेट्स में, तो पहले समय में जब हम सुबह फ्रेश होने जाते थे तो हम उसी पोस्चर में बैठते थे और उसे बोला जाता था उकड़ू। तो दंड बैठक, बैठ के उठना हो गया दंड बैठक, और कुछ समय के लिए उसमें बैठे रहना वो हो गया उकड़ू बैठना, है ना। तो दंड बैठक को आजकल हमने क्या नाम दे दिया है, स्क्वाट्स। तो जिम में इसको स्क्वाट्स बोला जाता है, स्क्वाटिंग करना, ठीक है। और जो उकड़ू है, अगर हम उसे योग के अंदर देखा जाए तो उसे मल आसन के वेरिएशन में भी लिया जाता है। मल आसन मतलब गार्लैंड पोज। तो अब जो भी नाम देना है दे दो, पर इसको कर, ठीक है, दोनों को इकट्ठा करो। आजकल जो है हमारे घरों में मेड्स आती हैं काम करने, तो लेडीज़ का कहीं ना कहीं काम वो करना ख़त्म हो चुका है। बैठ के पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बैठ के बर्तन धोना, है ना, आजकल सब काम खड़े खड़े हो रहा है। तो इसी वजह से जो है मोटापा बढ़ रहा है, मोटापे बढ़ने से और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो प्लीज़ अपनी ये आदत मत छोड़िए। जिनके घुटने स्वस्थ हैं, ठीक है, मैं अब प्रश्न आ रहा होगा किसी किसी के मन में कि घुटने तो चलते नहीं है तो कैसे बैठें, उनके लिए तो बैठना मुश्किल है। पर जिनके घुटने स्वस्थ हैं वो अच्छा महसूस करते हैं, ठीक महसूस करते हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर जारी रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें। देखिए, जब हम दंड बैठक करते हैं या उकड़ू करते हैं ना, हमारे पेट पे बहुत अच्छा असर जाता है इसका। जो सबसे पहला फ़ायदा मैं बताने लगी हूँ, पेट का मोटापा। और जब हम, मैं साथ साथ करूँगी और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो जब हम और इसको प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टांगों पे भी इसका असर जाता है, है ना। हम ज़्यादा समय खड़े रह के काम करते हैं या चलने फिरने का ज़्यादा काम है, तो उस वजह से जो शरीर का जो ब्लड का फ्लो है वो कहीं ना कहीं यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, हमारी काव्स में, पिंडलियों में, है ना। तो एक ब्लड कहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ पे एक ब्लड होता है हमारे हार्ट में, तो इसको भी छोटा हार्ट बोल दिया जाता है, दूसरा हार्ट। तो यहाँ से ब्लड का अच्छे से ऊपर फ्लो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ जमा हो जाएगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, दर्द बढ़ जाता है। तो इसका सॉफ्ट रहना, ये या ऐसे इसका हिलना, सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं हमारा पेट भी ठीक रहेगा, हमारा ब्लड का फ्लो ओवरऑल ठीक रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, आते हैं हम अपनी दंड बैठक पे। तो दंड बैठक नी पेन वाले और उकड़ू नी पेन वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। तो अब दंड बैठक में करते हुए, वैसे क्या होता है दंड बैठक, ये उठना और बैठना, है ना, पर हमें छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। हमें अपने नीज का बहुत ध्यान रखना है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो नी पेन जिनके नहीं है उनका भी हो सकता है। तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले सामने से देखिए। तो पैरों का जो गैप है ना वो बिल्कुल कंधे जितना होना चाहिए, दाएं कंधे के नीचे दायां वाला, बाएं के नीचे बायां वाला, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद अब जब हमें नीचे बैठना है ना, पहले हम हाफ करते हैं, ठीक है, आधा करते हैं, पूरा नहीं, अभी आधा करेंगे, आधा करें या बाद में पूरा करें, नी का ध्यान रखना ही रखना है। तो किसी की नीज ऐसे नहीं जा, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे कोई नहीं बैठेगा, नीज को आगे निकाल के, देख रहे हैं आप, ऐसे, तो ये रोंग पोस्चर है, बिल्कुल गलत, ये नी पे बुरा प्रभाव डालेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी नीज को अपने पंजों से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना, ठीक है। देखिए, भगवान ने इनको पीछे की तरफ ही रखा है, तो हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे। एक चीज़ और होती है, जिस तरफ हमारे पैर जाते हैं ना, पंजे जाते हैं, हमारे नीज को उसी डायरेक्शन में जाना होता है। ऐसा नहीं है कि पंजे सामने जा रहे हैं और नीज ऐसे खुल रहे हैं,
इनको अलग अलग कभी नहीं कीजिएगा। जब भी ये अलग अलग दिशा में गए इसका मतलब कि नुकसान हो सकता है। तो हमें कैसे बैठना है, नीज को यहाँ रखना है, तो उसके लिए आप थोड़े से अपने हिप को पीछे की तरफ निकालो, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में पीछे की तरफ निकाला। अभी नीज पे ध्यान दो, नीज पे ध्यान दो, आगे तो नहीं आ रहे, आगे तो नहीं आ रहे, ये हो गया हमारा आधा। अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं ऐसे झुकना, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करनी है और धीरे से श्वास लेते हुए वापस, ठीक, श्वास को साथ में जोड़ लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए वापस, छोड़ते हुए लेते हुए वापस, छोड़ते हुए लेते हुए वापस, ठीक है। तो ये तो हुआ आधा। अगर आपने इसकी शुरुआत करनी है, पहले नहीं करते हैं आप, अभ्यास नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप आधा ही करो, कुछ नहीं, कम से कम एक हफ्ता आधा ही दंड बैठक करो, ठीक, क्योंकि इससे देखो जब हम ये कर रहे हैं ना, हमारे थाइस पीछे वाला, आगे वाला, हमारे हिप, हमारी लोअर बैक, कमर का नीचे का हिस्सा और हमारा पेट, ठीक है, सब पे बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है। तो ये फैट को इतनी जल्दी ख़त्म करता है ना, और जब इसके साथ उकड़ू को जोड़ दिया जाएगा ना, पैरों के बल बैठना, तो डबल फायदा, ठीक है। तो अब हम करते हैं पूरा दंड बैठक। पूरा दंड बैठक में भी नी का ध्यान रखना है, बटक पीछे, पहले नज़र नी पे, ये देख रहे हो आप मेरी नी, पैर के बिल्कुल ऊपर है, ये नहीं करना, आगे की तरफ नहीं, ठीक। अगर नहीं बैठा जाता आप थोड़ा सा यूं हाथ का सहारा ले लो, अभी जिसको लगता है कि मैं गिर सकती हूँ या गिर सकता हूँ, तो थोड़ा हाथ का सहारा लीजिए और फिर धीरे से वापस ऊपर, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, वन, ऊपर, हाथ को यूं रखना है यूं रख लो, साइड पे रखना है साइड पे रख लो, जैसे अच्छा लगे। टू, ऊपर, थ्री, वापस, फोर, नी को देख सकते हैं साथ साथ, यस, फाइव, पंजा सामने, घुटना सामने, फैलाना नहीं, ठीक है, फिर वापस, दस करेंगे पूरे, सिक्स, ऐसे, सेवन, वेरी गुड, एट, साथ साथ कर भी सकते हैं आप, ये नाइन और ये टेन, ठीक है। तो ये तो हुआ दंड बैठक। शुरू शुरू में देखो मेरा भी थोड़ा सा सांस फूल गया है ना, तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं ना, तो पूरा शरीर जो है अपना जोर लगाता है, पूरा शरीर, तो पूरे शरीर पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब बढ़ते हैं कि पैरों के बल कैसे बैठना है, ठीक है। दो तरीके से बैठ सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि योग में हम एक आसन करते हैं मल आसन या गार्लैंड पोज, दोनों ही उसके नाम है, तो उस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं अगर स्टार्टिंग है, तो फिर धीरे धीरे पैरों का गैप कम करते हुए भी बैठ सकते हैं, है ना। तो अभी जैसे हम दंड बैठक कर रहे थे, अगर तो वहीं से साथ ही के साथ शुरू करना है, तो पैरों का ये था, ये हम नीचे गए, अब यहाँ से ये बैठ गए हम उकड़ू, ठीक है। फिर से घुटनों को ज़्यादा आगे नहीं करना, घुटनों को पीछे रखना है, नहीं बैठा जा रहा, थोड़ा सा हाथ का सहारा ले लो। मैं दीवार के साथ भी बताऊंगी कि दीवार का सहारा लेके भी आप कैसे कर सकते हो, जिन्हें अभ्यास नहीं है, अदरवाइज आप हाथों को यूं रखते हुए, है ना, यूं रखते हुए, जैसे हाथों को इस तरह रखते हुए बैठिए। अब देखो, अब हम जो जब ऐसे बैठे हैं, पंजे फिर सामने हैं, घुटने सामने हैं, अब आपकी जो पिंडलियाँ हैं, जो काफ मसल्स हैं, वो थाई के साथ किस तरह से दब रही हैं, है ना, दब रही है ना, तो उन पे कितना अच्छा काम हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो सख्त हो जाती हैं तो उनका सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तो उस पे काम हो रहा है, हमारे हिप पे, हमारे कूल्हों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारा पेट दब रहा है, देखो हमारी थाई के साथ पेट कितना अच्छा दब रहा है, तो पेट पे कितना अच्छा असर डाल रहा है ये अपना, हमारी पीठ पे असर डाल रहा है, ठीक। तो मोटापा तो भागेगा ही भागेगा। तो ये हुआ, अब बात जैसे बोला मल आसन, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि पंजे जिधर घुटना उधर, तो मल आसन में पंजे कुछ यूं रहते हैं तिरछे। अब देखो पंजा इधर, घुटना इधर, ये वाला और ये वाला, तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, ठीक है। उकड़ू में हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर अभी पैर ज़्यादा पास रख के नहीं बैठा जाता तो पैरों को खोल के अभ्यास कर लो। ऐसे भी नहीं बैठा जाता, अभी हिप के नीचे आप कुछ रख भी सकते हो, या पैर ऐसे है या ऐसे है, वो आपकी इच्छा है। तो जैसे मेरे पास ये बोल्स्टर है, आप घर का कोई भी पिलो ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पे बैठ के पैरों को यूँ सामने रखिए, अपनी थाई को अपने पेट के साथ लगा के रखने की कोशिश कीजिए,
और इस तरीके से बैठिए। अब यहाँ बैठे रहते हुए क्या करोगे आप, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लो, थोड़ा अपना एफर्ट डाल लो, पेट को मतलब अपने कोर को थोड़ा सा एंगेज कर लो। तो थोड़ा सा खींच के यूँ बैठने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरह हक भी कर सकते हैं अपनी लेग्स को, बहुत ज़्यादा नहीं आगे झुकना, थोड़ा सा आगे होते हुए पेट अपना थाई के साथ दबाने की कोशिश। ओके, ये हो गया अगर दीवार के साथ बैठना है। अब देखेंगे कि दीवार के साथ कैसे बैठना है, तो उसके लिए मैं आपको साइड से दिखाऊंगी कि दीवार कैसे आप, ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके। तो देखो, अब मैंने अपनी जो पीठ है वो पूरी दीवार के साथ लगाई हुई है, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि मेरे जो हिप है वो भी दीवार के, वो नीचे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। तो आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो, और पैरों को जितना हो सके थाई को अपने पेट और चेस्ट के पास लगा के रखना है, कुछ यूँ। अभी भी देखो मेरे जो नीज़ हैं वो बिल्कुल पंजे के बराबर हैं, या थोड़ा सा पीछे हैं, आगे नहीं गए। तो इस तरह आप शुरुआत कीजिए थोड़ी देर, ठीक है। बहुत अच्छा सहारा है, गिरने का डर नहीं है, हिप भी नीचे लगे हुए हैं अभी। तो कुछ दिन यूँ बैठने के बाद कमर एकदम सीधी है, गर्दन सीधी। फिर कुछ दिन यूँ बैठने के बाद क्या करोगे आप, अभी दीवार नहीं छोड़ना हमें, हमें सिर्फ ज़मीन छोड़ना है। तो ज़मीन छोड़ दी मैंने, जो मेरे हिप थे वो मैंने ज़मीन से उठा लिए, दीवार अभी भी पकड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे बैठो, फिर धीरे 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 थोड़ा सा दीवार छोड़ो, आगे आओ। अगर लगता है कि पीछे गिर जाएंगे तो दोबारा से दीवार पकड़ लो। तो जब आप जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाओगे ना, तो दीवार भी छूट जाएगी, तो आप इस तरह बड़े आराम से बैठ पाओगे। अगर रोज़ करोगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, नी का ध्यान रखते हुए, अपने पोस्चर का ध्यान रखते हुए, थोड़ा सा सांसों का ध्यान रखते हुए इसका अभ्यास आप करें, लगातार करें। देखिए आपका शरीर कितना फिट होगा, एक्टिव कितना होगा, और जो फैट है वो कितना जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिए ज़रूर, अपने व्यूज़ अपने सजेशंस कमेंट्स करके मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और कोई आपको किसी वीडियो का अगर किसी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो ला पाऊँ तो मेरे लिए एक मौका होगा आपकी सेवा करने का। तो अगर आप मेरे साथ योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए, और योगा लाइफ को यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करते रहिए। आप सबका धन्यवाद।